आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप की हम सीबी एडिटिंग करना सीखेंगे, तो फटाफट से चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरी जान, सबसे पहले आपको ओपन करना है ऑटोडेस्क में ये बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड की बात रही तो गाइस, बैकग्राउंड मैं बना बनाया जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर लिया करो एंड यूज़ करके मजे करो। तो यहाँ से हम प्लस इंपोर्ट फोटो पे चलेंगे एंड यहाँ से हम अपने फोटो को ऐड करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर। अब गाइस, अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता तो इस टॉपिक पे मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यार ज़्यादातर भाइयों को ना बैकग्राउंड रेज करना तो आता ही है, तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि वीडियो में टाइम वेस्ट क्यों करूँ आप लोगों का, है ना। तो जिन भाइयों का मैं ज़्यादातर देखूंगा कमेंट है बैकग्राउंड रेज करने का वीडियो बनाना है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब गाइस करना क्या है, सेकंड स्टेप में आपको आ जाना है ब्रश वाले ऑप्शन में फोटो ऐड करने के बाद, एंड यहाँ से आपको स्मर्ज ब्रश ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, देखो। ओके, अब इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। इसकी सेटिंग देख लो मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो फॉलो और स्ट्रेंथ 66% है ना, 66% भी रख सकते हो, ये भी ठीक है, बट मैं यहाँ पे 55% रख रहा हूँ। एंड यहाँ से मैं साइज़ को सेट इस तरीके से कर रहा हूँ, देन मैं अपने स्किन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्मूथ करूँगा। तो यहाँ पर गाइस मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो अब हमारा जो स्किन काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है, अपने जो सनग्लास हमने जो गोगल पहना है, इस गोगल को कलरफुल करना है, है ना। तो कलरफुल करने के लिए सिंपल आपको एक एम्पिटी लेयर बनाना है, एंड एम्पिटी लेयर बनाने के बाद आपको आना है इसके एम्पिटी लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको कर देना है मल्टीप्लाई पे, एंड आना है आपको कलर वाले ऑप्शन में। जो भी कलर आपको सनग्लासेस में रखना हो वो कलर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। मैं ये कलर रखना चाहता हूँ एंड सिंपल थोड़ा सा लाइट करूँगा, ये ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से डन करूँगा, एंड डन करने के बाद चलेंगे हम ब्रश वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ से देखो गाइस, ये वाला ब्रश आपको लेना है मीडियम ब्रश, ठीक है। एंड इसकी सेटिंग देख लो, फुल रखा है मैंने ओपेसिटी, एंड अमाउंट तो आप लोग साइज़ अपने हिसाब से देखना, एंड इस तरीके से कोशिश करना गाइस एक बार में ही फिल हो जाए। मैं एक बार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर आप लोग दोबारा ब्रश यहाँ पर अगर हाथ रखते हो तो भाई दोबारा से वो ब्रश जो है दोबारा डबल चलने लग जाएगा, पेंट आपका डबल लगेगा, ठीक है। तो एक बार में कोशिश करना कि अगर एक बार आपने टैप कर दिया तो उंगली उठाने की कोशिश मत करना, एक बार में ही पूरा फिलअप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया, देखो सनग्लासेस हमारा कलरफुल हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से हमारा जो है ऑटोडेस्क में अब काम कंप्लीट हो चुका है। अब फोटो को गाइस हम करेंगे क्या, यहाँ से सिंपल हम शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके या तो डायरेक्टली लाइटरूम में यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या तो सेव टू डिवाइस कर लो एंड एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन को जाके ओपन करके इसमें फ़ोटो इनपुट कर लो, जैसे आपका मर्जी हो वैसे कर लेना, ठीक है। मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ। अब लाइटरूम में फ़ोटो को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइटिंग एडजस्टमेंट करूँगा। अब गाइस लाइटिंग मुझे नहीं पता आप लोगों के फ़ोटो में लाइटिंग कैसा है, तो आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से लाइटिंग को देखना, और मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे लाइटिंग ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ, एंड डन करने के बाद मैं चलूँगा यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब गाइस कलर एडजस्टमेंट मैं जैसा कर रहा हूँ कलर एडजस्टमेंट आप लोग सेम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को 2% माइनस करा एंड वाइब्रेंस बढ़ा लिया है। अब मिक्स कलर में डायरेक्टली आ जाऊँगा एंड रेड कलर का मैं ह्यू थोड़ा सा प्लस करूँगा एंड ऑरेंज कलर पे चलेंगे। अब ऑरेंज कलर का मैं सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करता हूँ, ये ठीक है। अब ल्यूमेंस में यहाँ पर देखता हूँ, मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, रहने दो, है ना। तो येलो कलर पे चलते हैं एंड येलो कलर का मैं ह्यू इस तरफ रख रहा हूँ एंड सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करा। एंड ग्रीन कलर पे आएंगे, ग्रीन कलर का मैं ह्यू देखता हूँ यहाँ पर इस साइड, ठीक है ना। अब मैं इसका सैचुरेशन माइनस करूँगा थोड़ा, ये ठीक है। अब मैं चलूँगा ब्लू कलर पे, ब्लू कलर गाइस हमारे ड्रेस पे आ रहा है, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि ब्लू ड्रेस आप लोगों ने भी पहना हो, तो आप लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर को देखना। एंड मैं यहाँ पे सिंपल ये कर रहा हूँ, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसे एको कलर पे भी आ जाता हूँ एक बार थोड़ा सा, ये ठीक है। अब डन कर दूँगा सिंपल गाइस मैं यहाँ से। ओके, तो
तो डन करने बाद गाइज हम फोटो में क्लियरिटी बढ़ाएंगे, क्लियरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे एंड इसके अंदर हम क्लियरिटी बढ़ाते हैं तो भाई फोटो में जान आ जाती है ना। एंड यहाँ पर हम और कुछ नहीं करेंगे, हमारा फोटो यहाँ पर देखो बन के रेडी हो गया। बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ, तो ये देखो सी बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, क्या गजब का चेंजेस आया है ना गाइस। तो यही था आज के हमारे वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आया। एंड वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक के बिना मत जाना। एंड मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो भाई जल्दी से जाके करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।